आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक प्रोजेक्ट विच इज लोकेटेड इन 115 सेक्टर ऑफ मोहाली, जहाँ पे फर्स्ट डे से ही आपको सारी अम्यूनिटीज मिलने वाली हैं ऑपरेशनल। फर्स्ट फेज ये प्रोजेक्ट का डिलीवर कर चुके हैं, जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ऑलरेडी रिजाइडिंग हैं। आज जो इन्वेंट्री मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो रहेगी सेकेंड फेज में, विच इज 3 BHK एंड 4 BHK। सो कुछ इस तरीके का आपका ग्रीन एरियाज प्रोजेक्ट में रहने वाले हैं। पीछे आप क्लब हाउस देख सकते हैं जो ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें आपकी मल्टीपल एम्यूनिटीज रहने वाली हैं। मैं दूंगी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स आपको, उससे पहले आप एंजॉय कीजिए कुछ क्लिप्स। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट जोन, शॉपिंग सेंटर्स सारे आपके रहने वाले हैं यहाँ पे नियर बाय में। कुछ भी आपको यूज करना हो इजी एक्सेस रहेगा। प्रोजेक्ट की बात करूंगी तो जैसे मैंने आपको बताया 7.5 acre का टाउनशिप है, जिसमें आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी 3 BHK एंड 4 BHK। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि काफी लग्जरियस क्लब हाउस आपका रहने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी एमिनिटीज मिल जाएंगी, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल, आपके इंडोर गेम्स, आपका मेडिटेशन एरिया, जिमनाजियम, पार्टी हॉल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें रहने वाली हैं। कुछ आउटर लुक ऐसा रहेगा आपके क्लब हाउस का जो आप मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हैं। इस साइड आप देख सकते हैं किड्स प्ले एरिया प्रॉपर बच्चों के लिए बना हुआ है, जहाँ पे आपके बच्चे इंजॉय कर सकते हैं स्कूल से आने के बाद जब भी उनका खेलने का मन हो। एंड सेंटर में ही आपको मिल जाता है ये काफ़ी बड़ा 2.25 acre का पार्क, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल पार्क रहने वाला है, जब भी आप यहाँ पे आके बैठेंगे आपको बहुत ही पीसफुल एंड बहुत ही रिलैक्सिंग महसूस होने वाला है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन भी कर रखा है। प्रोजेक्ट के इनसाइड के जो रोड रहेंगे वो सारे प्रोजेक्ट के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, एंड काफ़ी वाइड रोड आपको देखने को मिल जाएंगे। जो हमारा फर्स्ट फेज मैंने आपको बोला था वो इस साइड था, आपके पार्क के इस साइड। ये सारा आपका डिलीवर हो चुका है, यहाँ पे आपकी सारी फैमिलीज ऑलरेडी रिजाइडिंग हैं। एंड जो हमारा सेकंड फेज आ रहा है वो आपके गेट के बिल्कुल एडजॉइनिंग में आ जाएगा, जहाँ से प्रोजेक्ट की एंट्री है, जैसे आप क्लिप्स में देख पा रहे होंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी 3 BHK एंड 4 BHK की। एम्यूनिटीज़ में एक और चीज़ ऐड हो जाती है जो कि है आपके कमर्शियल। तो प्रोजेक्ट के अंदर ही 14 शॉप्स आपको मिल जाती हैं कमर्शियल की। उसके अलावा प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ही आपका पूरा कमर्शियल रहने वाला है, देन आपके रेजिडेंशियल एरियाज आएंगे, जिसमें आपके काफ़ी सारे ब्रांडेड आउटलेट्स आएंगे। तो आपको कभी भी शॉपिंग करना हो या कुछ भी करना हो तो इन हाउस ही आपको वो फैसिलिटी भी मिल जाती है, आपको बाहर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सो ये तो होगी एमिनिटीज़ की बात, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत ही लग्जरियस सा क्लब हाउस मिल जाएगा, पार्क रहेगा आपका काफ़ी बड़ा, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा आप यहाँ पे आ सकते हैं, अगर आप यहाँ पे फ्लैट परचेज करते हैं। अब बात करते हैं फ्लैट की, तो आज मैं आपको स्पेशली दिखाने वाली हूँ एक 3 BHK अपार्टमेंट, जिसका सैम्पल अपार्टमेंट मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं, लेके चलती हूँ आपको सैम्पल अपार्टमेंट में। Thank you.
का कंसेप्ट है, एक फ्लोर पे आपके दो अपार्टमेंट्स रहेंगे, एक इस साइड आ जाएगा एंड एक इस साइड। सो यहाँ है आज का हमारा सैंपल अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 1943 स्क्वायर फीट। तो आइए चलते हैं अंदर। सो जो आपका मेन डोर रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, कम्प्लीटली ऑफ वुडन, जिसमें आपको मिल जाता है डिजिटल लॉक, जिसको आप कार्ड से, की से, फिंगरप्रिंट से एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फॉयर एरिया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। एंड फॉयर एरिया में ही आपको मिल जाता है एक सेपरेट से स्पेस जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं एज पूजा रूम या फिर स्टोर बना सकते हैं। तो देख लीजिए आप कैसा स्पेस आपका रहने वाला है। देन जैसे आप घर के अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले सामने आपको दिखने वाला है यहाँ पे आपका ड्राइंग एरिया, द मेन एरिया ऑफ द हाउस, जहाँ पे बैठ के आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं एंड एंटरटेनमेंट इंजॉय कर सकते हैं। सो ये वो मेन एरिया आपके घर का रहने वाला है। काफ़ी स्पेशियस एरिया है, जितना मर्जी सिटिंग आप इसमें अकोमोडेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं ईजिली अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। अगर मैं एक आइडिया दूँ आपको तो ईजिली यहाँ पे 10-12 सिटिंग अकोमोडेट हो सकता है, कि 10-12 मेंबर अगर आपकी फैमिली में कभी आ जाते हैं तो वो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। सामने वाले वॉल पे यहाँ पे स्पेस मिल जाता है आपको एलईडी पैनल के लिए, जहाँ पे आप अपना स्क्रीन लगा सकते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यूज़ किया है जिसने स्पेस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया, तो आप यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं एंड अपना स्क्रीन यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉल सीलिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट दीज लाइटिंग जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं, ये फॉल सीलिंग आपका एज इट इज़ रहने वाला है जो आप ऊपर देख रहे हैं। आप भी कुछ ऐसी चीज़ें अपने ड्राइंग एरिया में ऐड कर सकते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लगे। इसके साथ भी आपका बालकनी जो है वो अटैच रहने वाला है, जो आपका नेक्स्ट रूम के साथ भी अटैच रहेगा, तो वो मैं आपको वहाँ से दिखाऊँगी। सो आफ्टर दिस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एरिया की तरफ, जो होता है हमारा किचन एंड आर डाइनिंग एरिया, द हार्ट ऑफ द हाउस। यहाँ आ जाएगा हमारा किचन एंड इसी के सामने यहाँ पे रहेगा ठीक आपका डाइनिंग एरिया। पहले किचन देखते हैं फिर डाइनिंग एरिया की तरफ चलेंगे। सो किचन में सबसे पहले बता देती हूँ ये काउंटर आपका नहीं रहेगा, बाकी सारा किचन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत अच्छा लेआउट किचन का बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका कुकिंग काउंटर कितना बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉब के लिए स्पेस, चिमनी के लिए प्रॉपर स्पेस बना हुआ है, ऊपर वाले कैबिनेट्स आप देख सकते हैं जो आपको कुछ तो विद हाइड्रोलिक ओपनर मिल जाते हैं, कुछ आपके सिंपल रहेंगे। सो जितना मर्जी चीज़ें आप अपनी किचन में रखना चाहते हैं इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे डुअल सिंक आ जाएगा विद दिस मूविंग फॉसेट, जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे कैबिनेट्स जिसमें आप अपने यूटेंसिल्स वॉश करके रख सकते हैं। इस साइड आ जाता है हमारा पेंट्री के लिए सेक्शन, देख सकते हैं। लो कैबिनेट्स की बात करूंगी तो वो भी आपको डिफरेंट साइज में मिल जाते हैं एंड सारे ही आपके विद सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे, डिफरेंट साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइड कमिंग टू दिस साइड, ये आपका एज इट इज नहीं रहेगा, ये आप बनवा सकते हैं, काफी अच्छा डिजाइन है अपना एज योर क्रॉकरी यूनिट, अपनी अप्लायंसेस के लिए स्पेस कुछ ऐसा सा आप भी अपने किचन में क्रिएट करवा सकते हैं जब भी आप ये फ्लैट परचेज करेंगे, तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सिटिंग इन्होंने अकोमोडेट करके रखा है, जो कि बहुत ही इजीली अकोमोडेट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड एक और चेयर आप लगा सकते हैं, अगर आपकी फैमिली में मेंबर ज़्यादा हैं या फिर कोई भी ऐड ऑन होता है तो यहाँ पे एक चेयर आप ऐड कर सकते हैं, ईजिली ऐड हो सकती है एंड आप सारे यहाँ पे बैठ के अपना खाना, अपना मील इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से गर्म गर्म खाना आ रहा होगा, यहाँ बैठ के आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। फॉल सीलिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सारा आपका एज इट इज़ रहने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन आ जाएगा। सो विद दिस अब हमने देख लिया हमारा ड्राइंग एरिया, आर किचन, आर डाइनिंग एरिया। अब यहाँ पे आपको साथ में मिल जाते हैं 3 बेडरूम्स। तो सबसे पहला जो बेडरूम रहेगा आपका, यहाँ से हमने एंटर किया था, ये हमारा फॉयर एरिया था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा जिसके साथ आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। पहले वॉशरूम दिखा देती हूँ आपको। सो वॉशरूम का जो साइज है कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें आपको बेसिन है, बाथिंग सेक्शन है, सीट है, फुल वॉल लेंथ पे टाइलिंग आ जाएगा, फ्लोरिंग सारी आपकी एंटीस्किड रहने वाली है। सो ये जो वॉशरूम है ये आपका कॉमन वॉशरूम भी रहेगा, जिसको आपके गेस्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं एंड इस बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम विच कैन बी योर गेस्ट बेडरूम।
कैसे भी यूज कर सकते हैं या फिर किड्स बेडरूम आप इसको बना सकते हैं। स्पेस का आइडिया आप लगा सकते हैं क्योंकि बेड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, साइड टेबल्स लगे हुए हैं, फिर भी मेरे पास यहाँ पे मूव करने के लिए काफी सारा स्पेस बच जाता है। पीछे का वॉल देख सकते हैं आप, विद वॉलपेपर काफी ब्यूटीफुली डिजाइन है। सामने वाली वॉल पे आ जाएगा आपके एलईडी पैनल के लिए स्पेस, जहाँ पे आप अपना स्क्रीन लगा सकते हैं, वहाँ पे मजे से सो के अपना एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच रहेगा। एंड इस साइड आ जाएंगे हमारे कबर्ड्स, जो कि आपके एज इट इज रहने वाले हैं। लेआउट चेक कर लीजिए, काफी बड़ा कबर्ड मिल रहा है। अलमीरा में इतनी स्पेस है कि आपका रूम हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा, क्योंकि यहाँ इतनी स्पेस है तो बाहर कुछ रखने का मतलब भी नहीं बनता। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट बेडरूम। अब हमारे जो बाकी दो बेडरूम्स रहेंगे वो रहेंगे आपके डाइनिंग एरिया के साथ कनेक्टेड। सो ये था हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम एंड ये थर्ड बेडरूम। तो पहले सेकेंड देख लेते हैं। सो ये है हमारा सेकेंड बेडरूम। अगेन क्योंकि सैंपल अपार्टमेंट है तो आपको सारा जो फर्नीचर है वो इंस्टॉल्ड मिलेगा, जहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना सामान आप अपने रूम में ऐड करेंगे, उसके बाद कितना स्पेस हमारे पास बच जाएगा। तो बेड है आपका, साइड टेबल्स हैं, इस साइड मूव करने के लिए बालकनी में एक्सेस करने के लिए मुझे आराम से एक स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ वॉशरूम है, इसमें इजिली एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको बाथिंग सेक्शन, यहाँ पे बेसिन, यहाँ पे सीट आ जाएगा आपका। टाइलिंग देख सकते हैं, फुल वॉल लेंथ पे आपका टाइल वर्क रहने वाला है, फ्लोरिंग सारी एंटरस्किट रहेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विंडो फॉर द वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, जिसमें आपको एग्जॉस्ट वगैरह के लिए और आपके गीजर के लिए सारी प्रोविजनिंग होके मिलेगी। इस तरफ आ जाएगा स्पेस आपके एलईडी पैनल के लिए, आपकी स्क्रीन के लिए, जैसे मर्जी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे कबर्ड्स, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है आपको ड्रेसिंग टेबल, जिसमें आपका मिरर है। नीचे कैबिनेट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना मेकअप वगैरह सारा स्टोर कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे रहेंगे हमारे कबर्ड्स, जो आपको विद स्लाइडिंग डोर मिल रहा है। सो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम, अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। सो बेसिकली दिस इज अ मास्टर बेडरूम, जिसमें कंप्लीट फ्लोरिंग आपका वुडन का रहने वाला है। स्पेस देखिए पहले आप मास्टर बेडरूम का, बाकी दो रूम्स के मुकाबले काफी बड़ा बेडरूम आ जाएगा ये। तो आपका बेड है, साइड टेबल्स हैं, उसके बाद भी वहां पे एक चेयर रखने के लिए स्पेस बच जाता है। बालकनी में इजिली एक्सेस कर सकते हैं। सामने वाली वॉल पे आप एलईडी पैनलिंग करवा सकते हैं या फिर कोई भी डिजाइनिंग करवा सकते हैं। काफी बड़ी वॉल आपको मिल रही है, आप चाहेंगे तो यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। ये भी इन्होंने काफी अच्छा पीस क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे सेंटर में आपका स्क्रीन आ जाएगा, जहाँ आप एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। एंड इसमें यहाँ पे सेपरेट आपका कवर्ड एरिया आ जाता है, जो वॉकिंग क्लोजेट जो आपको मिल जाता है विद स्लाइडिंग डोर। यहाँ सामने रहेगा आपका मिरर के लिए स्पेस, आप भी कुछ ऐसा सा क्रिएट कर सकते हैं अपने रूम के अंदर, जहाँ पे आप खुद को पूरा चेकआउट कर लें, खुद पूरा रेडी हो जाएं, फिर बाहर जाएं। एंड ये आ जाएगा हमारा वॉशरूम। सो वॉशरूम में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका बाथिंग सेक्शन, योर बेसिन, वैनिटी आप देख सकते हैं, सीट वगैरह लगा हुआ है सारा। टाइलिंग की बात करेंगे तो फुल वॉल लेंथ पे आपका टाइल वर्क है, फ्लोरिंग सारी एडजस्टेड आ जाएगी। सो काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम रहने वाला है आपका ये वाला भी। सो विद दिस वी आर ऑल डन विद दिस अपार्टमेंट। आज हमने वीडियो बनाई है एग्जॉटिका होम्स की, जो लोकेटेड है आपके 115 सेक्टर ऑफ मोहाली में। आपके खरर लांड्रा हाईवे के साथ कनेक्टेड रहने वाला है प्रोजेक्ट, जहां से आप किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी सिटी के लिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं। स्कूल की बात करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे, एंटरटेनमेंट जोन्स की बात करेंगे या फिर शॉपिंग सेंटर्स की बात करेंगे, सारी चीज़ें आपको यहां पे नियर बाय में मिल जाएगी। सो आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, यहाँ के अमेनिटीज़ कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी मुझसे बताना छूट गया है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।